दोस्तों टू व्हीलर और फोर व्हीलर तो हम अपनी लाइफ में रेगुलरली यूज करते ही हैं, और अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपका टू व्हीलर और फोर व्हीलर है उसमें जो इंजन यूज होता है वो है एक रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर इंजन, यानी कि वो वर्क करता है एक पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म पे। दोस्तों आज की सूट में मैं बात करने वाला हूँ रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में, यानी कि वैंकल इंजन के बारे में। दोस्तों जो वैंकल इंजन है उसका आविष्कार किया था 1951 में वैंकल, जो एक जर्मन इंजीनियर थे, और इसका इस्तेमाल हुआ था 1960 में एक रेसिंग कंपनी है, और इसका प्रचलित यूज हुआ था BMW की मोटरसाइकिल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैंकल इंजन, उसका कंस्ट्रक्शन और उसके एडवांटेजेस क्या है नॉर्मल पिस्टन सिलेंडर इंजन के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन ओवरले के ऊपर। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वैंकल इंजन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक येलो कलर का ड्रॉप डाउन एरो है जिसे मैंने रेड कलर के पेन से मार्क कर दिया है। दोस्तों इस पोर्ट को हम कहते हैं इनटेक पोर्ट। दोस्तों इस पोर्ट से जो हमारा एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो एंटर करता है और कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे तीन पोर्ट है, इनटेक पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, और जो हमारा केसिंग है वो एक फुट का एक अलग ही पोर्ट है जहाँ पे सब तरह के प्रोसेस होते हैं। दोस्तों एग्जॉस्ट पोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का स्मोक जो हम इंजन के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलते हुए देख सकते हैं, वहाँ से ये ब्लैक स्मोक निकलना शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है हमारे आउटपुट शाफ्ट, इंटरनल गियर और उसका एन्यूलर गियर हमें बाहर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है जो आउटपुट शाफ्ट वो प्रोवाइड करती है हमें एक पावर। दोस्तों यहाँ पे जो शेप है जो हमारी केसिंग का है वो है ऑर्थोट्रोकॉइड, यानी कि ऑर्थो टी शेप। दोस्तों इसी शेप की वजह से वैंकल इंजन बहुत ही फेमस है और उसकी एफिशिएंसी करीबन 98% तक हो सकती है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे है मेन हाउसिंग, और जो हमारा रोटर है वो हमारा ट्रायंगुलर शेप का है। दोस्तों जो ये हमारा जो केसिंग है वो बनी होती है शायद कास्ट आयरन या फिर कभी कभी बनी होती है माइल्ड स्टील के मटेरियल से। दोस्तों यहाँ पे आपको तीन स्लॉट देखने को मिल जाएंगे ए बी और सी, और उनके अक्रॉस अलग अलग स्लॉट होते हैं कंप्रेशन, सक्शन और एग्जॉस्ट को प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमारा अलग एक मेम्बर होता है जिसे हम कहते हैं स्पार्क प्लग, और स्पार्क प्लग प्रोवाइड कर देते हैं हमारे इंजन को स्पार्क, जिसके मदद से हमारा इंजन रन होना शुरू कर देता है। दोस्तों ये सब प्रोसेस होते हैं एक इलेक्ट्रोनाइज्ड मोटर से जिसकी मदद से स्पार्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है सेंट्रल शाफ्ट जो ट्रांसमिट करते हैं अपने पावर को ट्रांसमिशन एक्सल के अंदर। दोस्तों वैंकल इंजन जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करता है। तो दोस्तों ये तो बात थी हमारे वैंकल इंजन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है इनटेक, यानी कि इनटेक स्ट्रोक। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इनटेक पोर्ट होता है यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड होता है, वहाँ से हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट सी और ए जो कनेक्टेड है वो ही मेन रिस्पॉन्सिबल है इनलेट स्ट्रोक को परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे होता है ये है कि जैसे ही वैंकल इंजन का रोटर क्लॉकवाइज मोशन में घूमना शुरू हो जाता है यानी कि C टू A मोशन करता है राइटवर्ड्स, तो दोस्तों होता ही है कि जो C है वो घूमता रहता है हमारे केसिंग के साथ ही, मतलब केसिंग से वो एकदम अटैच रहता है। इसकी वजह से दोस्तों होता ही है कि एक वैक्यूम प्रेशर कन्वर्ट होता है यानी कि एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी मदद से हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे ही एंटर होता है वो उसे पूरी तरह से खुद के अंदर खींच लेता है। यहाँ पे आप येलो कलर का बहुत ही छोटा सा पार्ट देख सकते हैं, वो एक्चुअली हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है। और दोस्तों जैसे ही ये रोटर पूरी तरह से घूम जाता है
है आधा रिवॉल्यूशन यानी कि 1/3 रिवॉल्यूशन सॉरी। तो यहाँ पे हमारा 1/3 रिवॉल्यूशन के साथ हमारा पूरा जो चार्ज होता है वो इसके अंदर एंटर हो चुका होता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा कंप्रेशन। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए का जो कॉन्टैक्ट है हमारे केसिंग के साथ वो बहुत ही क्लोज है, और ये सबसे बड़ी खूबी होती है वैंकल इंजन की। और दोस्तों ये लिमिटेशन भी इसकी है कि इसे मैन्युफैक्चर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे वैंकल इंजन जो अपना मोशन प्रोवाइड करता है वो होता है क्लॉकवाइज मोशन। इसके लिए जो आपको आउटपुट शाफ्ट पे पावर देखने को मिलेंगे वो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके लिए आपको इंजन का ओरिएंटेशन किसी भी व्हीकल के अंदर उल्टा रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे वैंकल इंजन के सेकेंड पोर्शन पे जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। दोस्तों ये जो स्ट्रोक होता है वो किसी भी इंजन के लिए, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो या फिर वो एक वैंकल इंजन हो या फिर एक रोटरी इंजन हो, उसके लिए ये जो हमारा स्ट्रोक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि इसी स्ट्रोक की वजह से हमारा इग्निशन टेक प्लेस करता है, यानी हमारा जो इग्निशन होता है वो इसी स्ट्रोक की वजह से हो पाता है। अगर ये स्ट्रोक नहीं होगा तो हमारा प्रॉपर इग्निशन भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ब्लू कलर की जो मार्कर से मैंने मार्क किया है येलो कलर का एक पोर्शन, वो है हमारा कंप्रेस्ड चार्ज। दोस्तों चार्ज को हमें कंप्रेस इसके लिए करना पड़ता है क्योंकि जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा तभी हमें एक एक्सप्लोसिव नेचर मिलेगा चार्ज का, जिसकी मदद से हमें एक एनॉर्मस पावर का हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपने जैसे देख सकते जो सी टू ए जैसे हमारा पहले इंटेक में मूवमेंट हुआ था, यहाँ पे जो दूसरा मूवमेंट होगा यानी कि 2/3 मूवमेंट होगा दोस्तों, उसमें हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और उसी के साथ हमारे जो चार्ज का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे इंजन के थर्ड स्ट्रोक की जिसे हम कहते हैं इग्निशन स्ट्रोक या फिर हमारा पावर स्ट्रोक। ये सबसे यानी कि सबसे जो मेजरली इम्पॉर्टेंट पार्ट कहते हैं जो हमारे इंजन का होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि इसकी मदद से हमारे जो ट्रांसमिशन एक्सेल होते हैं या फिर हमारे जो कार के या बाइक की या किसी भी व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं उसे पावर मिलना शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पे आप रेड कलर का जो पोर्शन देख सकते हैं वहाँ पे हमारा स्पार्क प्लग लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ पे आप येलो कलर का जो बड़ा पोर्शन देख रहे हैं जो है वो है हमारा कंप्रेस्ड फ्यूल, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया जो वैंकल इंजन है वो तीनों चीज़ें एक साथ करता है, सक्शन, कंप्रेशन और हमारा इग्निशन। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारी कंप्रेशन तो दूसरे सामने सक्शन होना शुरू हो चुका होता है, उसी के सामने हमारा इग्निशन स्ट्रोक भी साथ ही में कंप्लीट होता है। तो यही एक इंजन ऐसा है जिसमें तीनों स्ट्रोक एक साथ वर्क करते हैं क्योंकि इसमें एक ट्रायंगुलर रोटर है। दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि जो हमारा जो रेड कलर का जो सिकुड़ा हुआ जो हमारा वॉल्यूम कम वाला जो पोर्शन है वो हमारा जो चार्ज है कंप्रेस हुआ वो है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव करंट ज़्यादा है हमारे स्पार्क प्लग के अंदर और उसी के साथ ही हमारा स्पार्क प्लग एक पॉजिटिव स्पार्क प्रोड्यूस कर देता है और उसके वजह से हमारा जो मिक्सचर होता है वो इग्नाइट हो जाता है और हमारा जो रोटर है उसको एक पॉजिटिव ड्राइव मिल जाती है। अब बारी आती है एक्सॉस्ट स्ट्रोक की। फ्रेंड्स, हमारे जो वैंकल इंजन है उसका एक्सॉस्ट स्ट्रोक जो परफॉर्म होता है वो होता है उसके एक्सॉस्ट पोर्ट से यानी कि एक्सॉस्ट वाल्व से। दोस्तों यहाँ पे मैं इसे वाल्व नहीं कहूँगा क्योंकि इस तरह किसी भी फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं होती वाल्व की, यहाँ पे बस होता है एक पोर्ट यानी कि एक छोटा सा ओरिफिस। दोस्तों एक्सॉस्ट के जितने भी स्मोक है जितने भी फ्यूम्स है वो रिलीज हो जाते हैं बी और सी पोर्शन के बीच में से, यानी कि जो आपको ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो हमारा स्मोक है और ये लोकेटेड होता है बी और सी के बीच में। दोस्तों यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन मिल रही है वो हर ट्रायंगल के बीच में होती है यानी कि तीनों साइड पे होती है। ये एक स्लॉट है, स्लॉट के अंदर एक्चुअली में सारा जो हमारा स्मोक होता है वो कंटेन हो जाता है। इसी तरह हमारा पूरा स्मोक बाहर निकल जाता है और हमारे पूरे वैंकल इंजन की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है हमारा जो मोशन होता है वो वापस से पहली साइकिल पर चला जाता है और इसी तरह हमारी साइकिल हमेशा के लिए चलती रहती है। तो दोस्तों अब तो हम बात करते हैं वैंकल इंजन के एडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों जो वैंकल इंजन है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपलर है, यानी कि जो हमारा जो नॉर्मल जो पिस्टन सिलेंडर इंजन होता है दोस्तों उसके अंदर आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन को पहले तो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है डायरेक्टली ट्रांसमिशन पावर में, यानी कि यहाँ पे आपको जो मोशन होता है आपका दोस्तों वो होता है एक टू वे मोशन। और जो टू वे मोशन होता है उसके लिए आपको अलग अलग वाल्व चाहिए, अलग अलग पोर्ट्स
बोल्ट्स चाहिए, अलग अलग कैमशाफ्ट्स चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो आपकी जो वियर एंड टीयर की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि आपको वियर एंड टीयर दोस्तों बहुत ही बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों वैंकल इंजन। इसके सामने यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरह के आपको वाल देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जो मोटर है वो खुद ही सक्शन क्रिएट करता है। तो दोस्तों जो वैंकल इंजन है उसके अंदर पार्ट्स बहुत ही कम होते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे दोस्तों एफिशिएंसी की, जो दोस्तों जो हमारा नॉर्मल पिस्टन सिलेंडर इंजन होता है उसके अंदर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है बस 25 से 30%। लेकिन जो वैंकल इंजन है दोस्तों उसकी एफिशिएंट जो एक्सपेरिमेंटली हमने पाई थी वो थी करीबन 98%। इसका मेन रीज़न ये था कि जो रोटर है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है हमारी ऑर्थोट्रोपेड केसिंग के साथ, इसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों हर एक इन्वेंशन का, हर एक आविष्कार का एक लिमिटेशन तो होता ही है। दोस्तों वैंकल इंजन का एक लिमिटेशन ये है कि इसका जो मशीनिंग कॉस्ट है इसको बनाने का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं रेगुलर स्ट्रेसिस से, बिकॉज रोटर कंटिन्यूसली घूमते रहता है, इसकी वजह से इसमें वाइब्रेटिंग मोशंस बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए यहाँ पे आपको जो उसकी मशीनिंग है वो बहुत ही एक्यूरेटली करनी पड़ेगी। और इसी तरह जो वैंकल इंजन है वो बस प्रचलित हुआ था 1960 में, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई कॉस्ट पे होता है, इसीलिए हमें इसे इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए बहुत ही मुश्किल हुए। और इसकी जगह पे जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है वो कई सालों तक चल जाता है, और इसी के लिए हम आज भी यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स का। दोस्तों यही था मेरी आज की इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष, आप देख रहे थे एड्रेनो टेक्निको। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।